जवे हरे जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जमुना तीरावन चारी जमुना तीरा जमुना तीरावन चारी जमुना जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम नीताय गौर हरिबोल 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 हरिबोल
Hari bo, Hari bo. Shri Shri Radha Radhika Raman ki, Krishna Balaram ki, Jagannath Baladev Shudra Maharani ki, Gaur Nitay ki, Jagat Grishila Prabhupad ki, Jagannath Das Babaji Maharaj Trivapti thi ki, Tai Gaur Pramande Hari bo. Hare Krishna. Hare Krishna. Tapsvay Bhakto ka aaj ke Sayankali Bhagavad Gita kaksha mein swagat hai. Aur aaj ka shlok jo hai, 5th adhyay ka 20th shlok hai. Sabko dikh raha? Theek. Na Parheseta Priyam Prapya Na Udejita Prapya Cha Priyam Sthira Buddhi Asamudha Brahmavita Brahmani Sthita Na Praseta Priyam Prapya Na utejita prapya cha priyam Istira buddhiya samudho Brahma bita brahmani sthita Na prahasita priyam prapya Na utejita prapya cha priyam Istira buddhiya samudho Brahma Vita Brahmani Sthita Na Praseta Priyam Prapya Na Utejita Prapya Cha Priyam Sthira Buddhi Samudho Brahma Vita Brahmani Sthita Koi bol sakta to boliye Na prasita priyam prapya Na utejita prapya cha priyam Sthira buddhi samudha Brahma bita brahmani sthita Na prasita priya prapya Na utejita prapya cha priyam Sthira buddhiya samudha Brahma bita brahmani sthita ठीक है धन्यवाद तो शब्दार्थ और अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ना कभी नहीं पर प्रहसेता हर्षित होता है प्रियम प्रिय को प्राप्य प्राप्त करके ना नहीं उदेजिता विचलित होता है प्राप्य प्राप्त करके च भी अप्रियम अप्रिय को स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि मतलब कृष्ण चेतना असमूढ़ मोह रहित संशय रहित ब्रह्मवीता पर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मनी ब्रह्म में स्थित स्थित ठीक अर्थ है मैं पहले बोल दूं फिर उसके बाद आप लोग बोलना जो ना तो प्रिय वस्तुओं को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रियों को पाकर विचलित होता है जो स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है जो स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित है
और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ठीक है, तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य शैल प्रपाद जी के द्वारा, शैल प्रपाद की यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरमीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपादान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्री उदात्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथातिवं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसंगतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतं राधाकांतं नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी पांचवें श्लोक में जो शीर्षक है कि पांचवें अध्याय का, इसका शीर्षक है कर्मयोग। मतलब कर्मयोग मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म। और इसमें हम श्लोक संख्या 20 पे आज चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसमें भगवान बता रहे हैं कि भक्तों के गुण बता रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में ही बताया था उन्होंने कि जो व्यक्ति समता में स्थित होता है वो जन्म मृत्यु के बंधनों से जन्म मृत्यु के बंधनों को जीत लेता है और ब्रह्म में समान ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा ब्रह्म में ही स्थित होता है। क्योंकि ब्रह्म में सदा ब्रह्म जैसे निर्दोष हैं, जैसे भगवान कभी भी किसी के पाप को और पुण्य को नहीं लेते, उसी तरह भगवान का भक्त भी जानता रहता है कि ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ये प्रकृति से प्रकृति के संपर्क में प्रकृति के द्वारा ही मतलब करवाया जा रहा है। और वो फिर क्या करता है, दोष नहीं देखता किसी में
क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो जानता रहता है कि ये कर्मों का दोष है, और ये जैसे जीव जो हैं वो सभी क्या हैं, वो भगवान के अंश हैं, और ये जो शरीर जो कर्मों के अनुसार जो शरीर प्राप्त हुआ है और अपने अपने फल को भोग रहे हैं और सदा ब्रह्म में स्थित होता है। तो इस तरह की जब बुद्धि होती है तो क्या होता है, भगवान ऐसे भी कहते हैं कि वैष्णव के जो हैं वो कौन हैं, भगवान के, भगवान कहते हैं ये मेरे प्राण हैं और मैं इनमें वास करता हूँ, तो इसीलिए क्या होता है वो भी ब्रह्म में स्थित रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस श्लोक में ही बता रहे हैं कि जो नाथ प्रिय वस्तुओं को पाकर, ये भक्तों के गुण हैं, जो प्रिय वस्तुओं को पाकर हर्षित होता है और जो न अप्रिय पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है और जो मोह रहित है वह भगवत विद्या को जानने वाला है और वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इसमें इसके तात्पर्य में प्रपाद यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो कौन है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है। और हम अक्सर सुनते हैं कि चेतन महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध में, स्वरूप सिद्ध का होने का मतलब यह है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान के दास हैं। इसी तरह 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मां में बांस से जीव लोके जीव भूत सनातना, क्योंकि भगवान इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब कौन हैं, वो भगवान के अंश हैं। तो उनका पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण ये होता है कि उसमें शरीर और आत्म तदात्मा का भ्रम नहीं रहता। मतलब राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय बोल प्रेमानंदे। पहला लक्षण उसमें है कि शरीर और आत्म तत्व तदात्मा का भ्रम नहीं रहता और वह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं अपितु भगवान का एक अंश हूँ। देखिए यह पहले ही जब अर्जुन को विषाद हुआ, दुख हुआ, तो वो क्या करता है, वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वहाँ से इसने ये भी बताया, बहुत सारी चीज़ें बताता है कि मैं जब युद्ध करूँगा तो मुझे पाप लगेगा और सारे लोग मारे जाएंगे और ये सारे कौन हैं, सब मेरे ही रिश्तेदार हैं, सब मेरे ही खून से रिश्ता है हमारा, और मैं सिर्फ इनका वध किस लिए करूँगा, क्योंकि कुछ धन संपत्ति और राज्य के लिए। तो वो करना नहीं चाहता था। इस पे भगवान उसको डांटते हैं, कह रहे बातें तो बहुत हम अच्छे करते हो पंडितों की तरह, लेकिन हो मूर्ख, क्योंकि सभी लोग क्या है, ये यदि तुम नहीं मारोगे तो क्या है, तब भी ये लोग मरे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनको पहले ही मैं मार चुका, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ये सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एक निमित्त मात्र बनना है, और निमित्त मात्र बन के क्या करना है, तुम जस को हासिल करो, क्योंकि तुम कोई किसी को मार नहीं सकता, सब प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के अधीन होते हुए सबको शरीर प्राप्त हुआ है और वो शरीर के अनुसार ही वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसी तरह अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भली भांति जानता रहा कि मैं शरीर नहीं अपितु भगवान का एक अंश हूँ। तो भगवान बताते हैं कि ये जितने भी है ना, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भी ना रहा हूँ तुम भी ना रहे हो इनका, क्योंकि कभी ये मृत्यु इनकी कभी भी नहीं होती, क्योंकि सभी जीव जो हैं कर्मों के, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये शरीर, ये मत देखो ये शरीर हैं और ये फलाने हैं और ये फलाने हैं, क्या है ये सारे, ये क्या है, सारे के सारे ये आत्मा हैं, ये जो कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं, ना हम उससे काट सकते हैं, ना उसे हम जला सकते हैं, ना पानी से भिगोए जा सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है, ये आत्मा के गुण हैं कुछ। तो अब यहाँ पे बताता है उसका कि अब यहाँ पे क्या होता है कि वो समझ जाता है कि ये जो हैं इसका सिर्फ हानि होगी शरीर का और ये कभी इनकी मृत्यु नहीं होगी। और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि अतः वह कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि पर उसे शोक होता है। ये ऐसा क्यों बताया गया है? हाँ देखिए, वो जैसे चतन महाप्रभु होते जो शिक्षा अष्टकम बताते हैं, तेनादपि सुनि चेना तरुर अपि सही सुना मानी न माने देना कृतन्य सदारी, क्योंकि जब तक हमारी ये बुद्धि नहीं होगी हम क्या है, भक्ति में स्थिर
नहीं रह सकते, वो इसलिए क्योंकि तो ये जान, तो वो अपने आप को जो भक्त, भगवान का जो भक्त होता है अपने को तीन से भी नीच मानता है और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होता है। जब तक ये उसकी मनोदशा नहीं होगी तब तक ले उसको क्या होगा, तब तक वो भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि ये संसार का नियम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे ही और कुछ ना कुछ लोग टोंट कसेंगे कसेंगे। तो सबसे बड़ी बात है साधु की पहचान, भक्तों के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं, 26 लक्षण कहीं 25 भी बताए गए हैं, लेकिन उसमें से तीन लक्षण उनके महत्वपूर्ण होते हैं, तीन दो लक्षण दिखते हैं और एक लक्षण नहीं दिखता। क्या होता है? पहला लक्षण ये होता है कि वो सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और दूसरा हाँ जी स्थिर बुद्धि, हाँ जी नम्र तो हो गया ना, सहिष्णु होना चाहिए, और अनन्य भाव होना चाहिए उसको। दूसरा होता है सबका कल्याण चाहने वाला होना चाहिए, ये दो चीजें जरूर दिखती है, एक सहनशील और एक परोपकारिता उसमें निश्चित ही दिखेगी। तीसरा होता है अनन्य भाव, अनन्य भाव मतलब भगवान से अनन्य भाव से जुड़ा होता है वो, क्योंकि सभी समाज को ये आशा है कि भक्त को सहिष्णु होना ही चाहिए। जब तक वो सहिष्णु नहीं होगा तो क्या होगा, भगवत भजन करने के लिए चले लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो संसार है इसमें राग और द्वेष है ही है, क्योंकि सभी जीव जो हैं भगवान से द्वेष करके ही आए हैं और फिर वो राग यहाँ पे शरीर प्राप्त हुआ उनको और उसी शरीर से क्या हुए हैं, आकर्षित हैं और उसी अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये राग और द्वेष है, कहा जाता है कि यदि ये राग द्वेष व्यवस्थित नहीं किया जाए तो क्या है, भक्ति के मार्ग में लुटेरे हैं, ये क्या करेंगे, हमें राग द्वेष से ही होता है। यदि कोई चीज हमें प्राप्त हो गई तो उसे हमें आसक्त हो जाते हैं और यदि हमारे पास, हमारे सिवा और किसी के पास हुई तो द्वेष हो जाता है हमारे को। तो ये चीजें हमें क्या करती है, ये हमें बांधती है, तो हम इन सब से हमें बचना चाहिए। क्या कहते हैं, भक्ति में हम स्थिर नहीं रह सकते। इसी तरह कि जब तक व्यक्ति सहिष्णु होगा नहीं तब तक वो व्यक्ति सहेगा नहीं, तब तक वो क्या होगा, कुछ ना कुछ लोग बोलते रहेंगे और वो उद्विग्न होता रहेगा, फिर वो लड़ाई होती रहेगी, भजन तो हो नहीं पाएगा। संसार का नियम है, लोग कुछ ना कुछ टोंट कसे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कहते हैं लोग, अरे बहुत बड़े भक्त बनते हैं, ये है वो करते हैं, पहले तो ये करते थे, पहले ये करते थे, अब बड़े बड़े भक्त बनते हैं। तो ये संसार कहेगा कहेगा, संसार कुछ ना कुछ कहता ही है, कुछ ना कुछ कहेगा कहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये उसी तरह है, चाहे वो चाणक्य पंडित भी कहते हैं, जैसे हाथी चलता होता है और कुछ कुत्ते भूख रहे होते हैं, लेकिन हाथी एक एक को जब जवाब देता रहे तो क्या होगा, उसे सारी शक्ति इन्हीं चीज़ों में बढ़ चली जाएगी और फिर क्या होगा, अपने मंजिल तक वो नहीं पहुँच सकता। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और दूसरी बात, भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता में कि भक्त को क्या करना चाहिए, सुख और दुख को इस हिसाब से रहना चाहिए दिन और रात की तरह, क्योंकि ये भव सागर है, यहाँ पे झोंके यहाँ पे लहरें आती ही आएंगी आएंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लहरों से हम बच लें, इनका काम है, ये आएंगी आएंगी। अभी हमें क्या करना है, जैसे रात है तो दिन भी आएगा, तो उसी तरह दुख है तो सुख भी आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे स्थिति अधिक देर तक रहती नहीं है, और हम उद्विग्न होते रहेंगे तो फिर हम अपने फोकस नहीं रहेंगे कि हमें क्या करना है, और जब हम फोकस नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बताया गया है, कुछ प्राप्त होने पर न तो वो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। दूसरा भक्त में एक परोपकारिता होती है, भक्त कितना भी हो, आप ये देखिए भगवान जब आए थे भगवत गीता का उन्होंने प्रवचन करा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये ज्ञान उस व्यक्ति को ना बताया जाए
जिसके मुझ में श्रद्धा नहीं हो। कहने का तो भगवान ने कह दिया, लेकिन जब भगवान चले गए हो तो कहा कि उन्होंने बाजी, मैंने तो ज्ञान तो मैंने दे दिया लेकिन ज्ञान का मैंने विज्ञान नहीं बताया, तो लोग क्या करेंगे, इस चीज को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, तो साथ में क्या करते हैं, उसको करके दिखाते हैं, उसको करके दिखाते हैं। उनको पता था कि कलयुग के जो लोग होंगे उनके क्या हैं, ऐसे ही भी कम बुद्धि वाले होते हैं, उम्र उनकी कम होती है, आयु कम होती है और उनकी बुद्धि भी कम होती है, तो उससे क्या होगा, वो कभी भी इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे, फिर उनका भला कैसे होगा। इसीलिए चेतन महाप्रभु के रूप में फिर आते हैं, फिर वो इस चीज को जी कर दिखाते हैं कि कैसे हमें भक्त बनना चाहिए। परोपकारिता, तो देखिए वही भगवान जब आए थे, भगवान के रूप में आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि जिसको मेरे में श्रद्धा नहीं हो उसको क्या करना है, इस ज्ञान को नहीं बताना है। लेकिन वही भगवान जब भक्त रूप में आते हैं तो कितने दयालु हैं, कृष्ण प्रेम बांटते हैं, वो उन लोगों को बांटते हैं कि जो लोग सबसे पतित युग के वासी हैं। कलयुग में सारे के सारे किस में स्थित हैं लोग, कलो शूद्र संभव, चार वर्ण हैं, सबसे नीचे वर्ण में स्थित हैं शूद्र, उससे भी नीचे भी हैं, बहुत हैं, यमान खास, पुलिंदर, चंडाल, सब नीचे हैं, बताइए। तो वही भगवान जब भक्त रूप में आते हैं तो इतने दयालु होते हैं जो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, और वो उन लोगों को देते हैं जो लोग उसके काबिल नहीं हैं, उनको देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो क्या यह कृष्ण नाम पहले नहीं था, पहले भी था, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था और कलयुग में भी है। लेकिन सतयुग में जो लोग होते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, वो भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं, कलयुग के लोग ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए उसका भी ये कुछ वो है, मतलब एक ये कह सकते हैं कि व्यवस्था है कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए जरूरी है। शांत जगह होना चाहिए, कलयुग में कहीं शांति है, कुछ है नहीं है, सबसे बड़ा शांति हम खुद लेके चलते हैं, कहीं भी शांति नहीं है, जंगल झाड़ भी नहीं इतने बचे कि वहाँ पे शांति हो सके, जंगल के जानवर भी शहर में घूम रहे हैं। फिर ऐसी जगह हो जो शुद्ध हो, न ज़्यादा ऊंची हो न ज़्यादा नीची हो, जानवर ही नहीं बचे कि हिरन का खाल हम उस पर बैठ के फिर उस पर आज ध्यान लगा सकें। दूसरी बात, कलयुग के लोगों में इतना मतलब पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है कि अपने मन को स्थिर रख सकें, क्यों, क्योंकि इनके जो कभी भी इनका जीवन व्यवस्थित नहीं होता, रेगुलेटेड लाइफ नहीं जीते, कभी नहीं जीते, कभी भी आप देखेंगे कि हर समय उदग्न रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके जो जीने का जो तरीका है वो क्या है, व्यवस्थित नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी आप देख लीजिए, सारी दुनिया रात बनाई भगवान ने सोने के लिए, लेकिन अभी क्या है, लोग 2 बजे भी काम करते रहते हैं रात में, रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं, तो बताइए प्यार क्या होगा, हमारी जो शरीर की जो घड़ी है वो उल्टी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है ना। तो ये हाल है हमारा, तो फिर क्या होगा, वो शांति से ध्यान लगा नहीं सकते। लेकिन सतयुग में क्या होता था, लोग इतने शुद्ध होते थे कि भगवान का ध्यान लगा सकते थे, तो कहते थे कि नाम में क्या है, ठीक, हम भगवान पे ध्यान सीधे लगा सकते थे। इसी तरह कुछ पाप शुरू हुआ तो लोग अब यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करते थे तो कलयुग में वो भी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, सारे शुद्र हैं, ब्राह्मण है नाम मात्र के, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे
हम लोग समाज में हैं, डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर बन जाता है? हम स्वीकार करते हैं ये डॉक्टर का बेटा है तो हम इसे इलाज करा लेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण के व्यक्ति, ब्राह्मण के लड़के को हम क्या कहते हैं? ये ब्राह्मण होगा। क्यों? ब्राह्मणत्व वाले गुण तो है नहीं। आज की डेट में भी आप देखिए, चार नियमों का जब जैसे हम लोग इस्कॉन में पालन करते हैं, क्या कोई और भी लोग पालन करते हैं? ब्राह्मण समाज भी नहीं पालन करता, बहुत ऐसे वो भी नहीं करते पालन। फिर तो जब यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण ही नहीं मिलेंगे तो फिर यज्ञ कैसे होगा? दूसरा, जो यज्ञ करने की जो सामग्री है वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती, शुद्ध नहीं है कुछ भी, गाय का घी नहीं मिलता, सब मिलावट है, पानी में ही मिलावट है, पानी भी शुद्ध नहीं मिलता, वही पानी रिसाइकल हो रहा है, वही पानी आ रहा है। नदियों को भी हमने नाले में तब्दील कर दिया है, तो क्या है? जल भी शुद्ध नहीं है। तो जब यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भी नहीं है और यज्ञ की सामग्री भी शुद्ध नहीं है तो फिर यज्ञ कैसे होगा? अब आइए, द्वापर युग में अर्चा विग्रह बहुत बहुत देवालय बड़े बड़े बनाए जाते थे, भगवान के अर्चा विग्रह का बहुत ही भव्य तरीके से सेवा होती थी, तो कलयुग में क्या इतना आसान है? आसान है? अभी देखिए यवनों का क्या हाल है, कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितनी भर्सना है, वे मूर्ति पूजक हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तब ये भी पॉसिबल नहीं रहा। हाँ, सिर्फ एक पॉसिबल है, भगवान ने अपने क्या करा है, शिक्षा स्तर, क्योंकि दूसरे श्लोक में बताते हैं, नाम नकारी भर नव शक्ति अस्तता नियमित स्मरण काला तादृशी तो कृपा भगवान मनापी। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नाम में अर्पित कर दी है, जैसे नाम और नामी में कोई फर्क नहीं होता, उसी तरह भगवान का नाम भी भगवान की तरह क्या है? परोपकारी है, और भगवान की तरह ही उसमें भी उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सिर्फ कलयुग में भगवान के नामों का उच्चारण करके और भगवान के नामों का जप करके क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का, और कोई उद्देश्य नहीं है। और कोई उद्देश्य होता तो इसके कार्य कुछ अलग होते। जैसे तीन चीज सबसे ज्यादा आनंददायक है, खाना, सोना और हाँ जी मैथुन, ठीक है। खाना, खाना में देख लीजिए, जानवर जितना खाते हैं मनुष्य उतना खाता है? नहीं खाता। हाथी देखिए कितना खाता है, हाथी कितना खाता है, मनुष्य कितना खाते हैं? रही बात मांस खाने की, बारी आई, मांस में भी देख लीजिए, भालू है, शेर है, चीते हैं, कितना मांस खाते हैं? आदमी कितना खा लेता है? कहते हैं 30 साल के बाद आदमी बुढ़ा होने लगता है, उसके बाद पछता ही नहीं है, मांस बहुत मुश्किल है, तो मांस भी नहीं खा सकते। रही बात खाने की, तो हम जानवरों से भी क्या ज्यादा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो जानवर ही श्रेष्ठ हमारे से। सोने की बारी, अब देखिए एक मनुष्य कितने देर तक सो सकता है? डॉक्टर भी कहता है 6 घंटा, एक आदमी हस्तपुष्ट आदमी को 6 घंटे सोना चाहिए, उससे ज्यादा सोओगे फिर क्या होगा? रोग बढ़ जाएगा, रोग बढ़ेगा। जो लोग अधिक सोते हैं उनको देखिए क्या हाल है, उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, कुछ ना कुछ रोग शुरू हो जाते हैं। तो हम ज्यादा सो भी नहीं सकते। वही जानवर देखिए, पोलर बियर कितना सोता है? 6 महीने सोता है। मनुष्य सो सकता है? नहीं सो सकता। फिर उसमें भी हम श्रेष्ठ नहीं है। अब आइए मैथुन की बारी है, जानवरों कितने बच्चे होते हैं? बहुत सारे। सुअर के देखिए कितने सारे बच्चे हैं, लोग हैं वो भी, उसमें भी प्लानिंग है, हम दो हमारे दो, अब वो भी कम, वो भी ज्यादा हो गया, हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकते। कितना आदमी मैथुन कर सकता है? एक जाके देखिए बांदर के गिरोह में, एक बांदर वाले जो गिरोह होते हैं, कितने बंद बदरियों आती हैं उनकी, और दिन भर में कम से कम 20 से 25 बार वो मैथुन करते हैं। कबूतर है, उन भी वैसे ही करते हैं,
तो मनुष्य में क्या है, मनुष्य अच्छा कर सकता है, उसमें भी श्रेष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है इन कामों के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है। फिर किस काम के लिए प्राप्त हुआ है? प्रभा जी कहते हैं एक बांदर को साइकिल चलाना सिखा सकते हो और भी कुछ सारी चीजें हम सिखा सकते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं बता सकते कि तुम बांदर नहीं आत्मा हो। बता सकते हैं? नहीं। लेकिन मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास वो बुद्धि भगवान ने दी है, उसकी चेतना इतनी विकसित है कि वो ये समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। पहले विश्वास किसी में नहीं होता, लेकिन उसको हम विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बहुत आसान है। कभी भी कोई व्यक्ति मरता है तो यदि हम इस शरीर को ही आत्मा समझें कि मैं इस शरीर ही व्यक्ति हूं, तो ये उसी तरह हो गया जैसे गाड़ी में मैं हूं। गाड़ी में चलाने वाला एक ड्राइवर होता है ना, आज की डेट में क्या होता है, कभी किसी गाड़ी में क्रोच लग गया चाहे कुछ लग गए, लोग लड़ने में उतारू जाते हैं, जैसे उसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, इतना आसक्ति है। तो इसी तरह शरीर के साथ भी आसक्ति है व्यक्ति की, हर जीव को आसक्ति है। किसी भी जीव को बोलिए मैं तुम्हें काट देता हूं, ऐसा कुछ होगा? कोई भी नहीं होगा, मोक्ष मुख में क्या नहीं। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, वो चले गए। कौन चला गया? वो तो वही है, ये तो यही है। तो कहते हैं नहीं नहीं इसमें से कुछ चला गया, तो इसमें से कौन था? आत्मा थी। तो इससे पता चलता है, प्रूफ होता है कि हम ये शरीर से अलग हैं, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। तो आत्मा किसका अंश है? शास्त्र बताता है मामे बासे जीव लोके जीव भूत सनातन। किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के कारण, तो जैसे भगवान क्या है, रस के आगार हैं, उसी तरह जैसे भगवान आने तो सत्य चित्तानंद है, उसी तरह हम भी सत्य चित्तानंद हैं, सेम हम भी। जैसे एक समुद्र है, समुद्र का पानी भी क्या होता है, एक बूंद पानी में और एक समुद्र में क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। तो इसी तरह भगवान क्या है, विभू हैं, और हम क्या हैं, अणु हैं। तो हमारा क्या हाल है, भगवान जैसे अग्नि के पुंज हैं, तो एक हम अग्नि की चिंगारी हैं। तो होता क्या है, जैसे किसी गमले में आप आग जलाइए तो उसमें बड़ी सारी चिंगारी छिटकती है, तो चिंगारी यदि गमले में फिर से गिर गई तो फिर वो प्रज्वलित रहती है, मतलब प्रकाश देती है और हीट भी देती है। लेकिन यदि वो चिंगारी गमले के बाहर गिर गई फिर क्या होगा, न प्रकाश दे सकती है न वो गर्मी मिल सकती है, वो बुझ जाती है। तो उसी तरह हमारा भी है, तो हम बुझ नहीं जाते। यहाँ पे बुझने से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि उनका जो ज्ञान था वो क्या हो गया, अब वो ढक गया। किससे? माया के द्वारा। अब माया के द्वारा ढक गया, तो सबसे पहले जो लोग सजा भुगतने जाते हैं ना जेल में, तो उनको सबसे पहले उनके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं। उसी तरह हमारा भी है, कपड़े चेंज हो गए, चलो सत्यचित आनंद थे ना, अब सत्यचित आनंद नहीं रहेंगे। क्या मिल गया आपको शरीर? अलग अलग जीवों के शरीर मिल गए। सबसे पहले जीव आता है तो जलचर बनता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर जलचर से कुछ छोटे मोटे जीव, फिर वनस्पति, ऐसे कर करके उसका अपग्रेडेशन होता रहता है, फिर लास्ट में उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य एक शरीर, एक ऐसा वो है रेलवे की जंक्शन की तरह, यहाँ से चारों तरफ गाड़ी निकलती है, किधर भी जाओ ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ भी जाओ चलो। लेकिन जो अकलमंद होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो फंस जाते हैं। तब इनका ज्ञान ढक गया है, ज्ञान ढक जाने सब क्या हो गया, अब ये वही करेंगे जो इनको शरीर प्राप्त। अब ये कुत्ता है, अब कुत्ता है तो कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा, आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। अब हम आ गए हैं मनुष्य योनि, मनुष्य योनि में अभी हमें क्या करना चाहिए कि हम जिज्ञासा करें कि हमें दुख क्यों हो रहा है। सभी लोग दुखी हैं, जानवर भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, लेकिन जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, वो सहता है सिर्फ, लेकिन हम नहीं सहते, हम सहते हैं मजबूरी बस। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दोस्त आया, आपने क्या करा, चलो भाई इधर आओ, बाथरूम के आगे उसको बैठा दिया, कुर्सी डाल के आप यहाँ पे बैठो, वहाँ पे ले जाके चाय दे दो, क्या बोलेगा, अरे यार कमाल तमाशा, ये क्या मेरे को यहाँ पे को बैठा दिया भाई,
लेकिन वही किसी जीव जीव को किसी जानवर को ले जाए बेटे बोलेगा वो कुछ नहीं बोलेगा। तो आदमी की बुद्धि विकसित है, वो जानता है कि इसके बाद क्या होगा। नहीं कई मोड़ भी होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, देखते रहता है तब भी कुछ कर, तब भी उनका होश नहीं होता कि हाँ कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है तो दुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति हमें आज की डेट में मारे तो हम कहेंगे अरे भाई मुझे क्यों मारे भाई, मैंने क्या करा तुम्हारा, कहते हैं ना। तो इसी तरह हमें जो कष्ट होता है इसके लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि मुझे दुख क्यों हो रहा है। कोई व्यक्ति दुख चाहता है, कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख तब भी आते हैं। ये वो भव सागर है कि यहां पे दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन मिलता क्या है, दुख मिलता है। यहां पे सुख उतना ही है जो दो दुखों के बीच की डिस्टेंस है, बस इससे ज्यादा नहीं है। खुद भी देख लीजिए, बहुत लोग आनंदित होते हैं, सुबह 6 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, रात के 12 बजे तक आओ, पूछो उनको कहेंगे बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है बाबा, सब ठीक है, सब चल रहा। उनको क्या है, उनको इतनी आदत ये लग गई है कि वो इससे अलग सोच ही नहीं सकते, ये हाल है। इनसे आगे वो सोच ही नहीं सकते, वो सोचते हैं जीवन का ये ठीक है, ये डर रहा है ऐसे ही चलेगा, ये भी पार्ट है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हाँ मैं इससे हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं। तो फिर क्या होता है, चलता रहता है वो चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चलो चलते रहो, चलते रहता है वो चक्र। कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वो खत्म हो सकता है जब वो जिज्ञासा करे कि मुझे दुख क्यों हो रहा है। यहां पे भगवान बताते हैं सातवें अध्याय में बताते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, इसका काम ही है दुख देना। तीन ताप, दुर्गा जी है ना, तीन है ना उनके त्रिशूल, तीन है, अधिदैविक अधि भौतिक अधि आध्यात्मिक, मिलेगा मिलेगा। और चार दुख ऐसे जन्म में तो जरा व्याधि, सात हो गए, ये सबको मिलेगा, चाहे जो व्यक्ति अमीर हो गरीब हो कहीं भी हो कुछ भी हो, उसको ये सात दुख रहेंगे रहेंगे, इससे कोई बच नहीं सकता। तो इसको बचने का एक ही तरीका है कि हम भगवान की शरण में जाएं। अब भगवान की शरण में जाने का सबसे अच्छा माध्यम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तारक और पारक दोनों मंत्र हैं, ये हमें तारेगा भी और धाम भी ले जाएगा। यदि हम सिर्फ भगवान के नामों का ही आश्रय लें तो हम कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, चित्त रूपी दर्पण का हमारा मार्जन भी हो जाएगा और हमारे जीवन में भव महादावाग्नि, ये भव रूपी जो संसार में जो अग्नि जल रही है उसका भी शमन हो जाएगा। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन ये कैसे हो जाता है कि हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे जो संस्कार हैं पिछले, हम उसी अनुसार कार्य करते हैं, तो उसका मार्जन इसी के द्वारा हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार से तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये भगवान की भक्ति में न लगे। कोई कितना भी कर ले, दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, करो कुछ भी, जाओगे कहाँ, ज़्यादा दूर तक जाओगे स्वर्ग जाओगे, उसे फिर वापस आओगे। पुण्य जिस दिन खत्म हो जाएगा इधर आओगे, वहाँ भी राग और द्वेष भरे पड़े हैं, वहाँ भी देवताओं में भी राग द्वेष लगा रहा था। अच्छा अरे मेरे हवाई जहाज आपके हवाई जहाज से छोटी क्यों है भाई, वहाँ भी लगा रहता है। आपने सुना ना इंद्र जी क्या करते रहते हैं, कारगुजारी उनकी भी होती है, ठीक है, यही द्वेष है, तो वहाँ भी नहीं छुट्टी है। हाँ थोड़े सुख है वहाँ पे, अच्छे से थोड़ा बढ़िया शरीर है, सुंदर से लोग हैं, यही है। तो यहाँ भी है, कुछ लोग पुण्यात्मा होते हैं तो देखें पैसे वाले घर में पैदा होते हैं, अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, ये सब यहाँ भी प्राप्त होता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि वही चल रहा है, हाँ निद्रा भय मैथुन वो भी उनके साथ भी लगा हुआ, तो एक्स्ट्रा क्या करा, कुछ करा हो तो बताओ। जैसे हम लोग भी हैं, बहुत सारे डिग्री वगरी ले लेते हैं, क्या उससे होता क्या है, होगा क्या,
उससे ज़्यादा ज़्यादा हम थोड़े से अच्छे पैसे कमाएंगे। ले अच्छे पैसे कमाएंगे तो एक और नतीजा है, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक पैसे कमाने लगता है, सबसे पहले वो मांस खाना शुरू करता है, चलो भाई यही करो, पाप करना शुरू, यही बुद्धि है हमारी। उसके बाद वो सिलसिला चालू हो जाता है, उसके बाद सिलसिला ये चालू हो जाता है। दुखों की हम क्या करते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं, चलो जी उपजो, और फिर क्या होता है हमारा, हम इसी में फंस के रह जाते हैं। जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे कि मेरे को दुख क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात है ना, मैक्सिमम अधिक से अधिकतर लोगों की यही दशा है, क्या वो ये नहीं जानते कि मेरे को ये दुख हो रहा है, वो मान के तैयार नहीं है, वो जेल के कैदी की तरह है। जैसे कोई डी ग्रेड में कैदी आ गया तो प्रयास क्या करता है, जोड़ तोड़ लगा के थोड़ा सी ग्रेड में चले जाते तो थोड़ा फैसिलिटी मिल जाती, बी सी में आ गया तो फिर बी में आ जाते, वही थोड़ा सा फैसिलिटी मिल जाती, वही हाल हमारा है। हम ही सोचते हैं, हम निकलने का प्रयास नहीं करते, हम प्रयास क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, पढ़ लिख लिए तो थोड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, थोड़ा अच्छा पैसा कमा लें, अच्छे सुंदर से लड़के शादी हो जाए, थोड़ा अच्छा सा घर द्वार बना लें, हम यही करते रहते हैं और यही प्रयास हमारा जीवन भर रहता है। फिर लास्ट में क्या होता है, एक दिन चले जाते हैं। आपके कर्मों का आप ही दोषी हो, बीवी बच्चे कोई नहीं साथ जाने वाला, ये उसी मिर्गारी की तरह होएगा, जानवर मार के बेचता था और सबका पालन करता था। नारद मुनि ने बताया इससे क्या होगा, कह रहा मेरा ही काम है, मैं ही करूँगा, वही हाल हमारा है, हम भी वही करते रहते हैं। किसी से पूछ लो आपके कर्मों का फल कोई भोगेगा, कोई भी नहीं भोगने वाला, आप ही भोगोगे। सभी लोगों का अनुभव भी होगा, नहीं अनुभव होगा तो कुछ दिन में हो जाएगा, अरे होगा निश्चित है, कोई इसको काट नहीं सकता। तो जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो क्या होता है, हमें यह पता लग जाता है भगवान की भक्ति में जुड़ने से कि हमारे जो धीरे धीरे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे वैसे पता लग जाएगा कि हम ये शरीर नहीं, हम शरीर से अलग हैं। जिस दिन हमें यह पता लग गया उस दिन हमारा आधे दुख दूर, क्यों, क्योंकि ये शरीर जो है पौवर्ग है, ये जो दुनिया है पौवर्ग है, यहां पे किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और इतना परिश्रम करना पड़ता है कि मुंह से हमें जैसे बैल को झाग निकल जाए तो इसी तरह हमारा भी होता है। जो भी हम इस परिश्रम से कमाते हैं वो सब व्यर्थ जाने वाला है, क्यों, क्योंकि हम इसको लेके जाने वाले नहीं है, तो व्यर्थ जाने वाला है। और एक भय हमें सताता रहता है, क्या, कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, सब कुछ यहां छिन जाएगा, क्या है बताइए सुख। लेकिन भक्ति में सुख डर सबसे पहले खत्म होता है, सबसे पहले डर खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम ये जान जाते हैं हमारा पालनहार भगवान है। मन की स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है, फिर हमें पता लग जाता है तो फिर हम स्थिर हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, ये आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने के भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है, ज्ञान हो जाता है उसको। भक्ति का दो फल है, ज्ञान और वैराग्य। तो यहाँ पे यो नहीं होगा, ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये आएगा, ज्ञान के भी तीन स्तर है कि मैं क्या हूँ, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, और मैं दूसरा भगवान का अंश हूँ, तीसरा भगवान की भक्ति हमें करेंगे तभी हम यहाँ से मुक्त होंगे, यह ज्ञान। वैराग्य है भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल चीजों को छोड़ना, ये यहाँ पे वैराग्य है। वो वैराग बाद में आएगा, जब भक्ति करने लगेंगे तो वैराग उत्पन्न होगा, वो बाद की बात है, ये अभी यही होगा। तब यहाँ पे उत्पन्न क्या होता है, हम इन चीजों को कैसे प्राप्त करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ज्ञान के कारण परम सत्ता ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है, इस प्रकार अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने पर कभी यत्न नहीं करता, इसे ब्रह्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार करते, ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो अब वो क्या करेगा, आदौ सदा, थोड़ी सी हमें क्या हो गया, सुन लिया हमने, ठीक है फिर हमें भक्ति करनी चाहिए,
अब थोड़ा पता लग गया हमें, फिर क्या करना चाहिए? तो ये भक्ति किधर को मिलती है? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी भक्ति? भक्तों के पास। तो हम क्या करेंगे? श्रद्धा जगी तो हम कहते अच्छा जी चलो, जैसे बहुत सारे हैं सड़क से लोग चले जाते हैं, कोई सिर झुका जाता है, कोई नज़र झुका लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कब ऐसे करते हैं। जब उनको चलते जाते हैं, फिर एक दिन क्या होता है, अच्छा देखें बड़ा भाई मंदिर है, क्या है यहाँ पे, देखूं जरा, आते हैं तो यहाँ देखते हैं, अरे बाबा यहाँ तो लोग नाच रहे हैं। अच्छा क्यों नाच रहे हैं? लोगों का एक्सपीरियंस है क्या? लोग शादी ब्याह में नाचते हैं दारू वारू पी के भूत की तरह, लेकिन यहाँ देखते हैं तो अरे भाई ऐसे ही नाच रहे हैं लोग तो सुबह सुबह, क्या बात है भाई, क्या क्या खास है? वो भी आता थे, वो भी नाचने लगते हैं, देखते हैं, अच्छा आनंद आना शुरू होता है उसको भी। नाचना तो आनंद है, कोई नाचेगा, जो जिसमें खुशी होगी तो वही नाचेगा ना, और कौन नाचेगा? तो अभी देखता फिर शुरू हो जाता, अच्छा यहाँ पे लोग नाचते हैं भाई, बड़ी बात है, कोई काम तो जरूर कुछ है। फिर कोई भक्त मिल जाते हैं, फिर कहते हैं कि आया करो, इस दिन ये प्रोग्राम होता है, इस दिन ये प्रोग्राम होता है, इस दिन ये प्रोग्राम होता है। फिर वो क्या करता है, जिज्ञासा जगती, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। फिर आता है, प्रसाद पाता है, तो भगवान का भोग जो है वो भगवान की तरह ही है, सचात प्रभु के दर्शन है, प्रभु के दर्शन आनंद ही आनंद है। जैसे भगवान सजे धजे है ना, सजे धजे के सभी व्यक्ति खुश अच्छे लगते हैं ना, सजे धजा, उसी तरह भगवान जब भी देखे सजे धजे रहते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। चलो जी, भगवान के दर्शन हुए, प्रसाद भी पाया, थोड़ा आनंद की अनुभूति हुई, अब वो फिर क्या करता है, आना शुरू होता है। अच्छा जी क्या करते हैं ये लोग, तो जप करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अच्छा जी चलो, फिर जिज्ञासा लगती है, फिर वो शुरू होता है, धीरे धीरे देखता है, फिर वो भगवान का जप शुरू करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो धीरे धीरे उसकी यात्रा स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी भी भक्ति जो है हमें बहुत बड़े भय से बचा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करके उसको पता लग जाता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। फिर दो माला, फिर चार, फिर बारह, फिर आठ, फिर सोलह, फिर वो क्या होता है, भक्ति में वो स्थिर हो जाता है। फिर शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र आज की डेट में आप चले जाइए कोई भी नहीं समझाने वाला, किसी और भी जगह आप जाके देख सकते हैं, कोई नहीं समझाता क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना, उनको खुद नहीं पता तो क्या समझाएंगे आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी यात्रा स्टार्ट हो गई। अब जब ये यात्रा स्टार्ट हो गई तो फिर क्या हो गया, भगवान में खासियत है, आप बेशक छोड़ दो वो नहीं छोड़ने वाले। हरी का मतलब ही होता है, हरी क्या करते हैं, जो कुछ भी है आपके पास दुख वाली चीजें हर लेते हैं और फिर अपना नाम देके आनंद भर देते हैं। हरी का मतलब ये होता है हरने वाला, सब कुछ हर लेते हैं, दुख परेशानी सब, उसके बाद क्या देते हैं, आनंद देते हैं। तो हम उस समय हमें पता लग जाता है कि हम किसके अंश हैं और हम भी सत्चित आनंद हो सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस है और बहुत ही साधारण प्रोसेस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो स्थिर बुद्धि हो जाता है फिर वो क्या होता है, ब्रह्म स्थित हो जाता है। जब भक्ति करने लगता है तो फिर क्या होता है, ये उसी तरह है, भक्ति का मतलब ये उसी तरह है जैसे अग्नि में जब लोहा डाला जाता है तो लोहा क्या होता है, ठंडा होता है, अग्नि अलग है लोहा अलग है, लेकिन वो लोहा एक दिन क्या होता है, अग्नि के जैसा ही तप जाता है, फिर वो क्या होता है, अग्नि तरह ही कार्य करने लग जाता है। तो एक दिन इसी तरह हमारा भी होगा। अभी हम बेशक कलमश हैं, बहुत सारे हमारे साथ अनर्थ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, जिस दिन हमारे सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, निष्ठा फिर जगेगी हमारे में, फिर रुचि भी आ जाएगी। फिर रुचि क्या होगी, वो हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि हमारी बढ़ जाएगी। फिर बढ़ेगी फिर क्या होगा, फिर हमें भाव उत्पन्न, फिर प्रेम आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था कि
कि भगवान का जो भक्त होता है किसी प्रिय वस्तु का पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय का पाकर विचलित नहीं होता। ये ऐसे भगवान ने बताया हुआ है। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता और जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम कैसे रह सकते हैं? ये सब चीजें मान और अपमान में समान कैसे रख सकते हैं, सुख दुख में संभाव कैसे रह सकते हैं, यश अपयश में कैसे रह सकते हैं, कैसे होगा? मान और अपमान, आत्मा का क्या मान और क्या अपमान, वो किसका है? शरीर का है, शरीर का है ना, शरीर का, शरीर को ही लोग बोलते हैं। अच्छा ये है, ये कुत्ते का शरीर है तो कुत्ता बोलते हैं, आदमी का शरीर है तो आदमी बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हम तो यह है नहीं, हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं। तो हमारा इसका इससे कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, संभव रहता है। दुख होता है तो उसको पता है, आज की डेट में आपको पता है दुख होता है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमें दुख भी महसूस होता है। लेकिन हम जिस दिन माने कि हमारी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, आधा दुख खत्म। यदि आपको कोई कहे आपकी कभी आप तो कभी मृत्यु ही नहीं होगी, तो फिर खुश हो गए या दुखी हो जाओगे? सुखी हो जाएंगे, लेकिन कह देने से तो नहीं होगा। इसकी अनुभूति तभी होगी जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, तभी ये चीज, ये जो स्थिति है ये तभी आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। ये उसी तरह है आदमी का जीवन कैसे बदलता है। एक बार दो दोस्त चले जा रहे थे, तो एक जो दोस्त थे राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय के श्रील प्रभुपाद की, निताय बोल पर दो मिनट लेंगे, तो चले जा रहे होते हैं। तो एक जो दोस्त होता है वो भक्ति करता है, एक दोस्त होता है वो भक्ति नहीं करता। तो जो भक्ति करता है, अभी थोड़े दूर जाने के बाद क्या होता है, एक कील लग जाती है उसके शरीर में, उसके पाँव में, पाँव फट जाता है। फिर वो कहता है जो दूसरा जो दोस्त है, बताओ तुम इतनी भक्ति करते हो, भगवान को थोड़ा सा भी तुम्हारे पर दया नहीं आई, तुम्हारे पाँव फट गए। फिर चलो थोड़े दूर और जाते हैं, वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अभक्त होता है, जो भक्ति नहीं करता, उसको एक छोटा सा वो मिल जाता है, सोने का टुकड़ा। बड़ा खुश होता है, कह रहा देखो हमें तो सोने का टुकड़ा मिल गया। तो जाके वही एक बरगद के पेड़ के नीचे दोनों बहस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक साधु महात्मा होते हैं, तो इन दोनों की बातें सुन रहे हैं। तो फिर वो बताते हैं, कहते हैं कि देखिए आप कहते हो ना ये भक्ति कर रहे थे तो इनका पाँव भगवान ने फाड़ दिया, तो कहते हैं कि देखिए आज इनका पाँव कट जाना था, इनके पाँव कट जाने थे, लेकिन भक्ति करने से क्या हुआ कि उनके कुछ पापों का समन हुआ और फिर वो क्या मिला फल उसका, छोटे से रूप में मिला। जब पाँव में सिर्फ कील लगी, थोड़ा सा चीरा लग गया, नहीं तो पाँव उनका कट जाना था। और दूसरा, आप भक्ति नहीं करते, तो आप भक्ति नहीं करते तो उसका नतीजा क्या हुआ, आज आपको ना बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, लेकिन आपको क्या मिला, छोटा सा सोने का ही टुकड़ा मिल के रह गया। तो ये फर्क है। तो भक्ति से जीवन बदल सकती है, हम भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, भक्ति में जुड़ें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों का संग करें, निश्चित ही हमारे जीवन में भी वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति भगवान को भी बांधती है, तो क्या और कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ हमें विश्वास जगाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, ताय बोल प्रेमानंद। हरे कृष्णा।